टेंथ और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिए हैं उनको एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार है, लेकिन रिज़ल्ट आने से पहले 6 ऐसे काम जो ज़रूरी हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं हूं इरफान सैयद और आप देख रहे हैं मालूम सेंटर बाय MNF। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से वही अपील करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मालूम सेंटर के ज़रिए जो भी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स होते हैं वो आपको सही वक्त पर पहुंच सके। अगर आप टेंथ में हैं या फिर ट्वेल्थ में हैं और अभी आपने एग्ज़ाम दी है, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आने के बाद में उसके बाद में जो एडमिशन प्रोसेस होता है या फिर बाकी जो भी प्रोसेस है उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उस वक्त आपकी भागम भाग शुरू हो जाती है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ वो छः काम जो आपको करना बेहद बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी आप हॉलीडे पर हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है, घर बैठे मोबाइल और कंप्यूटर पर टाइम पास करने से पहले इन 6 काम को सबसे पहले करिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो और मुश्किल का सामना न करना पड़े। नंबर 1, आपका आधार कार्ड। देखिए, आप अपना आधार कार्ड अभी अपने जेब से निकालिए और चेक कीजिए कि क्या आपके आधार कार्ड पर फ़ोटो अभी नया है या बचपन वाला है, क्योंकि वैसे 5 साल और 15 साल के बाद में फ़ोटो को अपडेट करना ज़रूरी होता है। बहुत से फॉर्म फिलअप करते वक्त, एडमिशन के फॉर्म के वक्त मैं देखता हूँ कि बच्चों के वही चाइल्डहुड वाले फ़ोटो होते हैं और पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो अपने आधार कार्ड को ठीक से देखिए, क्या आपने जो 10th की एग्ज़ाम दिए या 12th की एग्ज़ाम दिए तो उस पर हॉल टिकट पे आपका जो नेम का स्पेलिंग है वो और आधार कार्ड का मैच होता है क्या? अगर नहीं होता तो आधार कार्ड पर से उस नाम को जो आपके 10th SSC या HSC का जो भी लिविंग सर्टिफिकेट अभी आपको तो मिला नहीं है लेकिन रिजल्ट के हॉल टिकट जो था तो उस हॉल टिकट पर जो नाम है वो और आपका आधार कार्ड पर नाम एक जैसा होना ज़रूरी है। उसी के साथ डेट ऑफ बर्थ भी देख लीजिए, चेक कीजिए कि डेट ऑफ बर्थ सही है या सिर्फ ईयर लिखा है। बहुत से लोगों के इसमें सिर्फ 1982 या 2003 इतना ही लिखा होता है तो ये नहीं चलेगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो फुल होना चाहिए। तो आधार कार्ड से रिलेटेड सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। मतलब जो भी मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अपने घर के फादर या मदर का कोई भी जो नंबर है उसको आप इस आधार कार्ड से लिंक कीजिए, क्योंकि इसके बाद आप जब भी कोई एडमिशन प्रोसीजर के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए OTP रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाता है। अगर उस वक्त नहीं होगा तो आपको और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आधार कार्ड से रिलेटेड ये सबसे ज़रूरी अपडेट, पहला काम आपका होगा कि अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाइए अभी के अभी। सेकंड चीज़ है बैंक अकाउंट। अब जब आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं, 10th के जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप को फॉर्म फिलअप करते हैं तो अपने फादर के साथ जॉइंट अकाउंट बैंक अपलोड करते हैं, या फिर इन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में मदर या फादर का बैंक अकाउंट भी चल जाता था, लेकिन इसके बाद में जो भी स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल, ना कि जॉइंट। और उसी के साथ में आपका आधार कार्ड उस बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो आपके बैंक में स्कॉलरशिप की अमाउंट जमा नहीं होती। तो इसके लिए ये है दूसरा काम कि आप अपना बैंक अकाउंट बनवाइए और आधार कार्ड को बैंक से लिंक कीजिए। सबसे मेरी राय में मेरा ओपिनियन रहेगा कि जितने भी आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस अभी इंडियन बैंक बन चुकी है, वहाँ मात्र 500 रुपये में आप अपना अकाउंट नंबर बनवा सकते हैं, 1 से 2 दिन में हो जाता है और आधार कार्ड भी उसको लिंक फौरन हो जाता है। थर्ड चीज़ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, आप महाराष्ट्र में रहते हैं या जिस भी राज्य में रहते हैं तो उस राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 12th के बाद या 10th के बाद आप जहां भी एडमिशन लेते हैं तो वहां पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाइए। उसी के साथ में एक चीज़ होती है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट तो आपको हर चीज़ के लिए लगता है, स्कॉलरशिप हो या फिर एजुकेशन लोन हो, हर बाकी चीज़ के लिए इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया ज़रूरी है। तो इनकम सर्टिफिकेट ये हो गया आपका चौथा काम।
अभी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑब्वियसली इनकम सर्टिफिकेट आप स्टूडेंट है आपके नाम से तो नहीं बनेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट फादर के नाम से होगा, फादर नहीं है तो मदर के नाम से होगा या फिर फैमिली हेड जो भी है उसके नाम से होगा, तो इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और इनकम सर्टिफिकेट में एक बात का ध्यान रखिए कि हमेशा 3 साल वाला इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, ये ऐसा नहीं है कि अगले 2 साल का होता है, इसमें प्रीवियस 2 ईयर्स और करंट ईयर ऐसे मिलाकर होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट ये 3 साल का बनवाइए, क्योंकि इसके बाद में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं बनवाने जिसके लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, तो वो 3 साल का होना ज़रूरी है। तो 1 साल का भी बनवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसी अमाउंट में उतने ही टाइम में अगर 3 साल का बन रहा है तो 3 साल का बनवाइए। अब पांचवी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब अगर आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो कास्ट लिस्ट है, तो अगर आप उस कास्ट में आते हैं, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, एनटी, वीजेएनटी, जो भी आपकी कास्ट होती है आप चेक कर लीजिए कि आप कास्ट में आते हैं या नहीं, अपने पेरेंट्स से पूछिए। अगर आपके घर में किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका फ़ौरन बन जाएगा। उसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि 1967 के पहले का आपका कोई एविडेंस चाहिए कि आप 1967 के पहले से उस कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग जो कास्ट है उसी में आते हैं। तो ये बाकी सब चीज़ें मैं कास्ट सर्टिफिकेट का अलग से जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही कहूंगा कि आप 1967 के पहले के अपने फादर ग्रैंडफादर का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी पुरावा, महसूल पुरावा जिसको कहते हैं, वो जोड़कर और आपकी जो फैमिली की वंशावल, एक मराठी लफ्ज़ है वंशावल जेनेटिकली, जो आपके ग्रैंडफादर फादर फिर ब्रदर सिस्टर वो एक बनाना पड़ता है आपको, वो बनवाइए ताकि ओबीसी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट आपको फौरन मिल सके। अब जो बच्चे 12th में हैं उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो कास्ट वैलिडिटी है क्या चेक कीजिए, अगर कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो पहले उसको अप्लाई कीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट तो आपने बनवाया लेकिन कास्ट वैलिडिटी नहीं बनवाया तो इसका नुकसान क्या होगा, 12th के बाद आप मेडिकल या प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज में जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी है। कास्ट वैलिडिटी एडमिशन के लिए कंपलसरी है, कास्ट वैलिडिटी स्कॉलरशिप के लिए कंपलसरी है, और भी बहुत सी जगह कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी है। तो कास्ट वैलिडिटी लाइफ में 3 बार ही मिलती है, एक तो आप टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज को एडमिशन ले रहे हैं तब, सेकंड चीज़ आपको जॉब गवर्नमेंट की कोई भी जॉब अगर आप रिजर्व कैटेगरी के ले रहे हैं तब, और थर्ड वन इलेक्शन। तो बाकी दोनों चीज़ों का अभी आपका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन 12th में अभी आप हैं, अभी तक आपने लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो ये कास्ट वैलिडिटी बनाते वक्त आपको प्रिंसिपल का एक लेटर होता है जिस पर साइन और सिग्नेचर लेने होते हैं, एक जो जितने भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं कास्ट वैलिडिटी के लिए उसमें एक फॉर्म होता है जो प्रिंसिपल के जहाँ पर जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं 12th कर रहे हैं वहाँ का। एक बार आपने लिविंग सर्टिफिकेट ले लिया तो उसके बाद में फिर वो थोड़ी सी आनाकानी होती है, फिर आपको साइन नहीं मिलती, तो बेहतर है कि अभी अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो कास्ट वैलिडिटी बनवाने के लिए प्रिंसिपल का जो फॉर्म है उस फॉर्म पर आप प्रिंसिपल का वो साइन स्टैम्प लीजिए, उसी के साथ में बाकी 2 एफिडेविट होते हैं वो एफिडेविट करवाइए, और कहीं भी आप ऑनलाइन में जाकर या फिर ऑनलाइन से भी कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी सेतु कार्यालय से संपर्क कीजिए या फिर CSC कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है वहाँ से आप बनवा सकते हैं। अब थर्ड वन, लास्ट वन, ये तो 5 चीज़ें मैंने बताई, 6ठी चीज़ जो है वो है EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये क्या होता है कि देखिए, जो जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी जिसे हम कहते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला तो वो ओपन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर वो गरीब हैं जिनकी इनकम लिमिट 8 लाख से कम है तो उनके लिए EWS कोटा बनाया गया है जिसमें 10% एडमिशन के वक्त आपको रिजर्वेशन मिलता है। मतलब आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10%, और उसी की तरह आप जब भी जॉब करेंगे, कोई भी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट में तो ये नहीं होता, लेकिन किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या नीम सरकारी नौकरी में आपको 10% का रिजर्वेशन का बेनिफिट होता है। तो ये EWS सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवाइए। EWS सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाना है, क्या उसके फ़ायदे, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। उसी तरह मालूमात सेंटर के बाकी भी बहुत सारे वीडियोस है जिसमें स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन से अलग अलग मालूमात आपको मिलती है, लेकिन ये 6 काम आज अभी आप शुरू कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। रिजल्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे मार्क्स पाइए, लेकिन
आप कहीं भी एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा है वो लगेंगे, रिक्वायर्ड होंगे, कंपलसरी रहते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट को ज़रूर बनवाइए और अभी बनवाइए। इसी तरह ये आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ये हमारे मालूमात सेंटर का हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर है। अगर इस डॉक्यूमेंट बनवाते वक्त आपको कोई परेशानी हो रही है या कहीं पर कुछ क्वेरीज है तो आप इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको गाइडेंस किया जाएगा, हेल्प की जाएगी। और इसी तरह ये 24 आवर्स में आपको जॉब मिलता है तो ये नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी बाकी भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।